एल्विश ने पूछ लिए डायरेक्ट सवाल, वो भी जिया शंकर से, और मनीषा रानी ने समझा दिया फिर एल्विश और जिया को भी। ये लोग बातें कर रहे हैं अभी, पता नहीं जिया शंकर के फैंस क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो इसी में बिजी हूँ, क्योंकि वो मनीषा के साथ जिया को पसंद नहीं करती हैं और जिया ही जो है मनीषा के साथ अभी घुसते हुए, उनके ग्रुप में घुसते हुए बैठी है। अब एल्विश ने सीधी बात बोल दी है, पूछ लिया है कि मनीषा आज टिकट टू फिनाले है तो तुम किसका साथ देने वाली हो। तो जिया ने भी बोल दिया है कि मैं देखूंगी किसकी जरूरत कितनी है, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी, मैं अब नहीं बोल सकती हूं। पर फिर भी टिकट टू फिनाले जब पहले हुआ था तब अभिषेक ने किसका साथ दिया था, तो ये बोलते एल्विश कि वो पुरानी बातें तो गंदी बातें क्यों याद करते, तो अच्छी बातें याद कर, उसने तुझे रिंग पहनाया, तुझे घुटनों पे बैठ के रिंग पहनाया, ये किया वो बातें याद करना, ये सब चीज़ें याद करने की चीज़ें नहीं होती है। वो भी तीन है, वो चार हो जाएंगे अगर तू उधर जाएगी, तो इधर आएगी तो एटलीस्ट हम तीन हो जाएंगे, 3-2-3 हो जाएगा, तो मतलब कि बराबर का रहेगा कंपटीशन, नहीं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। तो बोलती है मैं देखूंगी, तो यही सब चीज़ें देख के जो है मनीषा बोलती है कि जी तुझे जहाँ पर जाना है ना तो वहाँ पर जाना तेरे अकॉर्डिंगली, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। सही बात है, कोई भी प्रेशर नहीं है, ये दोनों ही काफ़ी हैं, पर ऐसा ही टास्क देना चाहिए जहाँ पर बराबरी की चीज़ें हों। ऐसा नहीं देना चाहिए कि इधर चार इधर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं आप बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।